thank you असल यू के ट्वेंटी फोर लेटेस्ट जॉब की तरफ से मैं हूं नुमान दोस्तों एच पी एल के अंदर बहुत ही जबरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा एच पी एल के अंदर कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं अप्लाई करने का तरीका कार क्या है आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आप लोगों ने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा की चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें

आप लोग की के करेंगे। तो आज की जितनी भी पोस्ट है इन्फॉर्मेशन सकते हैं तो दोस्तों ने सबसे टॉप के ऊपर एचपीएफ बैंक जॉब ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन कराची लिखा हुआ है आप लोगों तो ने इस पर क्लिक कर लेना है आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मैं आप लोगों को लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा आप लोगों को तमाम डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी तो दोस्तों आप लोगों ने इस करके नीचे आ जाना तो आपके सामने डिटेल्स

फ्रंट एंड उसके बाद जावा फ्रेश डेवलपर किए उसके बाद जूनियर स्पोर्ट डेवलप किया और बैक एंड डेवलपर की पोस्ट है तो, तो दोस्तों ये वही पोस्ट है जो अखबार भी में मौजूद है आप लोगों ने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना तो आपके सामने यहाँ पर अखबार तैयार भी मौजूद है इसमें भी तमाम डिटेल्स दी गई है की आप लोगों के सामने यहाँ पर वही सामने आपके एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन भी बताई गई है आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक अपनी पोस्ट पर अप्लाई कर लेने तो दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों ने करना है अप्लाई करने के लिए अपलाई करना है अप्लाई करने के लिए आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन भी मौजूद है आप लोगों ने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना तो आपके सामने अप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने करके नीचे आ जाना तो आपके सामने इंट्रोडक्शन लर्निंग अपॉर्चुनिटी एजुकेशन जॉब एक्सपीरियंस एज लिमिट आप लोगों को बताई गई है देख सकते आप लोग उसके बाद लोकेशन कराची बताई गई है और इंटरस्ट सर्विस से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं नीचे आप लोग के नाम मौजूद है किस तरह से अपलाई करना है अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके बाद आप लोगों ने अपलाई नाउ का ऑप्शन मौजूद है आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है जो ये आप लोग अपलाई नाव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म आगे जॉब अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को

पर क्लिक कर लेने और so, इसके बाद आप लोग से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा अगर आप लोग किधर इंप्लाय है तो आप लोगों ने यहाँ पर इंटर कर देना और तमाम एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख देना है so, उसके बाद आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर सिलेक्ट करना है ट्रेनिंग के बारे में लिखना है इंस्टीट्यूट लिखना है टू लिखना है आप लोगों ने डेट्स लिखनी है यहाँ पर स्किल्स बतानी है आप लोगों ने यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने अपलीकेशन स्पेसिफिकेशन बतानी है यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जॉब पोजिशन सेलेक्ट करनी है आप लोग जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं आई टी ट्रेनिंग आई बी एड बैक एंड लोगों ने इसको कर लेना है उसके बाद आप लोगों ने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लिखना है पर अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्वेरीज भी है और आप लोगों ने डेट अप्लाई भी लिखनी है प्रीवियस अगर आप लोगों ने की है तो यहाँ पर वो भी इंटर कर देनी है उसके बाद आप लोगों ने अपनी सीवी इनके साथ अटैच कर, कर लेना है जो आप लोग सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को अख्वाशा दी है बैंक अभी कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है अप्लाई करने का तरीका प्रकार भी बता दी है पोस्ट के नाम भी बता दिए अपलाई करने की लास्ट डेट भी बता दी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ की शेयर कर दें तो आगे वो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट कर सकें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नुमान को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज